होगा, पिछले दिनों में एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी पिछले चंद सालों से कि आटे के अंदर जो है वो प्लास्टिक निकल रहा है। प्लास्टिक में किसी भी किस्म का कीड़ा लग जाता है गंदम को, तो उसके लिए वो जहर इस्तेमाल होता है, पेस्टिसाइड। अस्सलाम वालेकुम, आज हम आपको ऑर्गेनिक आटे की पहचान और ऑर्गेनिक आटे का बताएंगे कि ऑर्गेनिक आटे के क्या फ़ायदे हैं और ये कैसे लगता है, कैसे इसका गंदम तैयार होता है उसके बारे में। ये अभी आम जो राशन का आटा होता है ये वो आटा गूंदा जा रहा है। ये जो सामने आटा पड़ा हुआ है, ये जो रोटियां बन रही है ये चक्की के आटे की रोटियां बन रही है। चक्की से बनाते हैं, हमारी अपनी गंदम है, हमारी अपनी गंदम को हमने पिसवा कर ये आटा वो किया है। लेकिन ये आम गंदम नहीं है, ये ऑर्गेनिक गंदम है। ऑर्गेनिक गंदम की ये होता है कि इसमें किसी किस्म का कोई पेस्टिसाइड यानी कोई जहर वगैरह जैसे होता है वो ना इस्तेमाल किया हुआ होता है इसके ऊपर, इस और ना ही इसके ऊपर किसी भी किस्म का किसी न किसी किस्म की खाद वगैरह लगाई जाती है। ये अपने ऑर्गेनिक कुदरती सिस्टम पे लगती है रेस बेड के ऊपर, और ये उसका आटा है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं किसी किस्म के भी। इसमें ग्लूटन जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। ग्लूटन की मात्रा कम होने की वजह से इसकी रोटियाँ देखने में बनने में खूबसूरत नहीं होती जैसे आम आटे की खूबसूरत होती है, क्योंकि उसके अंदर आपको याद होगा पिछले दिनों में एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी पिछले चंद सालों से कि आटे के अंदर जो है वो प्लास्टिक निकल रहा है। प्लास्टिक नहीं होता था, वो ग्लूटन होता था। वो जब आम खाद पे, यूरिया पे, और उस पे जब फसल लगती है तो हमेशा उस पे जो भी फसल लगती है तो उसमें ग्लूटन की मकदार जो है बहुत ज़्यादा होती है। और ग्लूटन की मकदार वही होती है जैसे एक पेड़ा दोनों का एक एक साइज़ का 100-100 ग्राम के पेड़े आप दोनों के लेंगे और उसको पानी के अंदर हल करने की कोशिश करेंगे तो उसमें जो ऑर्गेनिक आटा होगा उसके अंदर 10% मुश्किल से जो है वो आपको ग्लूटन नज़र आएगा जो प्लास्टिक जिसे कहते हैं। और जबकि वो हमारे जो घरों में इस्तेमाल होता है आटा, राशन का आटा या दूसरे चक्की का आटा जो के खादों से जिसको खाद लगाई गई होती है या उसको जहर लगाया गया होता है जैसे किसी भी किस्म का कीड़ा लग जाता है गंदम को, तो उसके लिए वो जहर इस्तेमाल होता है, पेस्टिसाइड जो है वो उसकी वजह से जो है वो उसका नुकसान जो होता है वो उसके अंदर जो है वो ग्लूटन की मकदार ज़्यादा हो जाती है पेस्टिसाइड की वजह से। और ग्लूटन की मकदार ज़्यादा होने से पेड़ा तो बहुत खूबसूरत बनता है, लेडीज़ भी बड़ी खुश होती हैं कि आटा बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उसके नुकसान बहुत होते हैं। तो पेस्टिसाइड जिस पे लगा हुआ होता है उसके पेड़े में तकरीबन 40-60% जो है वो सब प्लास्टिक निकलता है, बाकी पेड़ा पूरा हल हो जाएगा लेकिन 40% से 60% जो है वो प्लास्टिक की तरह वो पेड़े में से निकलेगा। जबकि ऑर्गेनिक के अंदर जो है वो 10-20% निकलता है, इससे ज़्यादा नहीं निकलता। तो यही इसकी पहचान है और उसके कम से कम नुकसान होते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो ग्लूटन होता है वो हमेशा मोटा करने के लिए इस्तेमाल होता है। आपको पता होगा जो जानवर पालते हैं उनको पता होगा कि वो ग्लूटन की ज़्यादा मकदार में जो मकई खरीदते हैं तो उसमें ग्लूटन की ज़्यादा मकदार जो है वो मांगते हैं कि ग्लूटन की ज़्यादा मकदार हो, जिसकी वजह से जानवर जो है वो मोटा भी होता है। तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो मैंने आपको कुछ तो बता दिए। और ये आप देख लें कि अब उसकी रोटी, ये रोटी आपको ऑर्गेनिक आटे की रोटी है, अब ये रोटी इतनी गोल भी ज़्यादा नहीं हुई है और थोड़ा सा ये टूटती भी जल्दी है, जबकि वो टूटती थोड़ी उससे है, वो थोड़ी सी मुलायम जैसी होती है, जबकि इसकी रोटी जो होती है नरम होती है, नरम होती टूट जाती है जल्दी गंदम के आटे की। अब ये देखें ये बिल्कुल सफ़ेद जैसा आटा हो रहा है और ये जो है इसमें काला पंसा है, ये ऑर्गेनिक है। अच्छा, गंदम का आटा जो होता है वो भी ऐसे ही होता है, उसका कलर भी ऐसे ही होता है, वो नॉन ऑर्गेनिक जो होता है उसका भी यही होता है जो चक्की का आटा जिसे कहते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक आटे का मैं आपको एक और बात बता दूँ कि ऑर्गेनिक आटा आपके बड़े बड़े स्टोर्स जैसे हाइपर स्टार है और ये बड़े बड़े नाहिद सुपर मार्केट है, इनमें जो है ये आटा जो है ये आज से जब आटा आमतौर पे 60-65 रुपये चल रहा था उस टाइम पे जो है इनके 250-300 रुपये केजी का मिलता था ऑर्गेनिक आटा जो है वो 250-300 रुपये केजी मिल रहा था, जबकि आम आटा 60-70 रुपये का मिलता है। अभी भी आप अगर जाएंगे
हाइपर स्टार में, तो अभी भी आप उनसे ऑर्गेनिक आटे का पूछेंगे तो ऑर्गेनिक आटा मैं समझता हूँ कि 300 से 400 रुपये का पर केजी होगा, और ये आटे की दोनों की मैंने आपको पहचान बताई है। अब आपको उसकी पेड़े उसकी रोटी की भी बताते हैं आपको, नॉन ऑर्गेनिक जो है, जो आम राशन का आटा होता है उसकी रोटी देखना कितनी खूबसूरत और गोल्ड होगी। और ये रोटी जो है गंदम की है, ये जो आपको नज़र आ रही है ये ऑर्गेनिक है और गंदम की है। ये रोटियां हमारी जुलेखा बना रही है। जुलेखा देखो इधर, ये 10 साल की बच्ची है और बड़ी बेहतरीन रोटियां ये बनाती है, बहुत बेहतरीन, बिल्कुल गोल, ऐसे आम खातून भी नहीं बना सकती है। ये गंदम के आटे की थी और ये वो राशन का आटा है, ऑर्गेनिक की और ये नॉन ऑर्गेनिक है और राशन का आटा है। आप देखें कितनी खूबसूरत होती है, देखने में बहुत खूबसूरत होती है। इसमें एक फाइन आटा भी आता है, वो इससे भी ज़्यादा वाइट होता है। ये जो हमारा ऑर्गेनिक आटा है ये सामने इस जगह पे लगा था इस फसल में, इसमें बिल्कुल 3 साल से तकरीबन जो है यहाँ पर किसी किस्म की कोई भी हमने इसको खाद नहीं दी, किसी भी किस्म की, सिर्फ गोबर हल्की हल्की डाली है, इसके अलावा कोई भी खाद नहीं दी। और बैक्टीरिया कल्चर होता है, बैक्टीरिया कल्चर उसमें डाला हुआ है, बैक्टीरिया कल्चर जो है वो बना के डाला था इसमें। आज के लिए ये वीडियो काफ़ी है मेरे ख्याल से।